सपा नेता और विधान परिषद सदस्य द्वारा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद हिंदूवादी संगठनों में खासा आक्रोश है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तमाम हिंदू संगठन लामबंद होकर विरोध कर रहे हैं। यूपी के कासगंज में भी अखंड आर्यव्रत निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर उन्हें जूते मारने वाले को 5100 का इनाम देने की घोषणा भी की है। आपको बता दें कि सपा नेता और विधानसभा सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अभी हाल ही में हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी दी थी, जिसके बाद से तमाम हिंदू संगठन उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनको पार्टी से निकाले जाने की भी मांग की है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए अखंड आर्यव्रत निर्माण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेश शर्मा ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर ही अभद्र टिप्पणी कर डाली और उन्होंने कहा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो बहुत ही अशिष्ट और असभ्य नेता हैं, उन्हें हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने में आनंद आता है। इस बार उन्होंने श्री रामचरितमानस का अपमान किया है, जिसे हम सभी त्रस्त हैं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य में 5 जूते मारेगा उसे आर्यव्रत संघ द्वारा 5100 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। स्वामी प्रसाद ने जो बयान दिए हैं रामचरितमानस को लेकर, क्या कहेंगे उसको लेकर? रामचरितमानस को लेकर जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिए हैं, उससे हमारा यही कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे अशिष्ट और असभ्य नेताओं का होना बेहद ही समाज के लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है। ये हिंदू समाज को बार बार तोड़ने के प्रयास करते हैं। उनके रामचरितमानस के बयान पर हम यही कहना चाहेंगे कि इन्हें तत्काल प्रभाव से FIR कराकर जेल में डाला जाए और अखंड आर्यव्रत निर्माण संघ की तरफ से इनमें 5 जूते मारने पर 5100 रुपये का इनाम।